हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है नए वीडियो में। और आज जो हम लेकर आए हैं वह है ईस्टर्न रेलवे का हावड़ा डिवीजन का कमर्शियल कम टिकट क्लर्क सीसीटीसी का एग्जाम हुआ था। 4/12/2023 को इसका एग्जाम हुआ था और उसका हल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट अवश्य करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले मैथ्स से संबंधित प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1। 289 इज इक्वल टू डैश प्लस 108। इसको क्या करना है, 108 को उसमें माइनस कर देना है। 289 माइनस 108 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 181। आंसर ऑप्शन ए होगा, 181। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 10,000, 1,100, 10 + 1, ये सभी का योग निकालने के लिए दिया गया है। तो इसका योग निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट से हम लेना शुरू करेंगे। यूनिट में 1 है, फिर 0, 0, 0 यानी 1 होगा, फिर 10s में, 10 में 0, 0, 0, फिर 100 में, फिर 1000 में, फिर 10,000 में। तो यहाँ जो आंसर होगा वह सी होगा, क्योंकि सभी 1, 1, 1 है। यहाँ हम ऐड करेंगे तो आंसर ऑप्शन 11,111 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। -3 + -6 + 8 + -1। इसको हम जब ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो क्या होगा, -3 और +-6, फिर यहाँ +8, फिर -1, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 9, 1, 10 -10 + 2, तो क्या हो जाएगा आंसर, -2। आंसर ऑप्शन डी होगा, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 4 घंटे 45 मिनट को मिनटों में बदलें। 4 घंटे का 240 मिनट और +45 मिनट कितना हो गया, 285 मिनट। आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज में दो कोणों का योग 125 है, तो तीसरे कोण का माप ज्ञात करें। तो तीनों कोण का क्या होता है, योग 180 होता है, उसमें से 125 घटा देना है, तो जो आंसर आएगा क्या हो जाएगा, 55। आंसर ऑप्शन ए है, 55। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 99,999, 99,999 से एक और है, मतलब एक अधिक क्या है, तो एक अधिक क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है 7। संख्या 803401 में 3 का स्थानीय मान क्या है, तो 3 का यूनिट 10s, 100s, 1000 यानी 1000वां इसका अर्थ है। तो यह जो है मान 1000 है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 2 रुपये प्रति केले की दर से 3 दर्जन केलों का मूल्य क्या होगा, तो 1 दर्जन का पहले निकाल लेंगे, 2 रुपये, 12 रुपये, 12 केले का क्या हो जाएगा, 12 × 2 = 24, तो 3 3 दर्जन का निकालना है तो 72 रुपये। आंसर ऑप्शन बी, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 8 × 4 + 16 यानी कितना हो गया, 32 + 16 यानी कितना हो गया, 48। और यहाँ क्या है, 4 × 8 - 20, यहाँ क्या हो गया, 32 - 20 यानी 12। तो क्या है, इस यहाँ डिवीजन करना है, 48/12। आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। आंसर ऑप्शन डी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 250 × 4 / 100। 250 × 4 यहाँ क्या है, 4 से कट करेंगे तो ये 2 बार, और यहाँ से कट करेंगे तो 125। आंसर ऑप्शन ए, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय रेल में कितने डिवीजन है, तो भारतीय रेलवे में टोटल अभी 70 डिवीजन है, 70 डिवीजन है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। जोन में परिचालन विभाग का प्रमुख कौन होता है, तो परिचालन विभाग के प्रमुख जो होते हैं वो PCOM होते हैं, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशनल मैनेजर। आंसर ऑप्शन डी है, PCOM। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 13। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवारत्ती है, कवारत्ती। पोर्ट ब्लेयर किसका राजधानी है, अंडमान निकोबार का राजधानी है। ईटानगर किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। पणजी किसका है, तो गोवा का राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 14। वनडे विश्व कप 2023 की विजेता टीम का कप्तान कौन है, तो विजेता टीम कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जीता है, इंडिया को हरा करके जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया है। उसका जो कप्तान था उस समय कौन था, पैट कमिंस। आंसर ऑप्शन बी है, पैट कमिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 15। केंद्र सरकार के कर्मचारी का डीए प्रतिशत कितना है, अभी जो है 46% है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इरकॉन IRCON का अर्थ क्या है, इसका फुल फॉर्म बताना है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। आंसर ऑप्शन ए है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। नेक्स्ट है 17। क्रिस का अर्थ क्या है, क्रिस का फुल फॉर्म बताना है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। आंसर ऑप्शन बी है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18।
वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और जनगणमन राष्ट्रगान है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रगान लिखा गया था जनगणमन, और बंकिम चंद्र चटर्जी थे उनके द्वारा वंदे मातरम लिखा गया था राष्ट्रगीत। तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसका आंसर होगा, आंसर ऑप्शन सी, वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में टोटल कितना है? 8 ग्रह है, जिसमें 8 ग्रह में बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 21, डूरंड कप किससे संबंधित है? डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, आंसर ऑप्शन सी है, फुटबॉल। बिहू त्योहार का संबंध है, बिहू त्योहार जो है वह असम से संबंधित है, बिहू असम, आंसर ऑप्शन ए होगा, असम। नागालैंड का क्या है? तो हॉर्नबिल उसका कहा जाता है। केरल का ओनम, पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा। नेक्स्ट 23, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, आंसर ऑप्शन डी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है, एमपी में कान्हा किसली कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, और केवला देव जो है घना राष्ट्रीय उद्यान जो है वह राजस्थान में है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 24, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से संबंधित है, आंसर ऑप्शन बी है, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। कर्नाटक का क्या है? यक्षगान। और उड़ीसा का ओडिसी। तो यह जो है इसको से हम याद रख सकते हैं, तो भरतनाट्यम यहाँ आंसर ऑप्शन बी है, तमिलनाडु। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकन थे, आंसर ऑप्शन ए है, जीवी मालवंकन। एसएमएस का पूर्ण रूप क्या है? एसएमएस का पूर्ण रूप है शॉर्ट मैसेज सर्विस, आंसर ऑप्शन सी है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, क्रिकेट माई स्टाइल एक पुस्तक है किनके द्वारा लिखा गया? तो किसके बारे में? तो कपिल देव के बारे में है, क्रिकेट माई स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 28, भारत का गार्डन सिटी कौन सा है? भारत का गार्डन सिटी बेंगलोर को कहा जाता है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 29, भारत में पहली मेट्रो रेल शुरू की गई थी, पहली मेट्रो रेल शुरू की गई थी कलकत्ता में शुरू की गई थी, और कभी शुरू किया गया था? तो 1984 में किया गया था, सभी अंडरग्राउंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है, हीराकुंड महानदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, रिहंद बांध यूपी में है, भाखड़ा नंगल बांध पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 31, 25 वर्ष पूरे होने के बाद अराजपत्रित ग्रुप सी कर्मचारी को कितने मानार्क पास मिलते हैं? तो कितने पास मिलते हैं? तो 2 सेट पास मिलते हैं, आंसर ऑप्शन ए है, 2 सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 32, पीएनएम का अर्थ क्या है? पीएनएम का अर्थ होता है परमानेंट निगोशिएशन मशीनरी, आंसर ऑप्शन डी है, पीएनएम का परमानेंट निगोशिएशन मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, सुविधा पास की वैधता अवधि क्या है? तो सुविधा पास है प्रिविलेज पास, उसको वैलिडिटी है वह 5 महीने होता है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 34, 1 माह में कितने एलएपी अर्जित किया जाता है? तो 1 माह में 2.5 एलएपी अर्जित किया जाता है। 6 मंथ में जो होता है कितने मिलता है? 15 मिलता है, तो 1 माह में 15/6 हम डिवाइड कर देंगे, 2.5, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एनपीएस कब से शुरू हुआ? तो एनपीएस कब से शुरू किया गया था? 1/1/2004 से न्यू पेंशन स्कीम जो है शुरू किया गया, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 36, निम्नलिखित में कौन सा कथन रेलवे में डीए नियम की उपाधि धारण करता है? तो नियम जो है वह डी एंड ए नियम 1968 जो है वह डीएआर एक्शन के अंतर्गत आता है, डिसिप्लिन एंड अपील रूल कहा जाता है, 1968, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 37, अनुशासनात्मक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37, अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत मेजर पेनाल्टी के लिए कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है? तो मेजर पेनाल्टी के लिए SF5 जारी किया जाता है। SF11 किस लिए जारी किया जाता है? माइनर पेनाल्टी के लिए किया जाता है, और SF1 जो है सस्पेंशन के लिए जारी किया जाता है, साथ में जब SF5 है और SF7 है। SF5 के लिए बारे में हम देख लिए मेजर पेनल्टी, और SF7 जो है वह अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर के लिए यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, जब छुट्टी नियम के तहत कोई भी छुट्टी बकाया ना हो, किसी जो एम्प्लॉय है उसके पास कोई भी छुट्टी नहीं है तो भी उसको छुट्टी दिया गया है, तो वह असाधारण छुट्टी कहलाता है, आंसर ऑप्शन डी होगा, असाधारण छुट्टी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39,
आम जनता के लिए सीजन टिकट 10 किलोमीटर की दूरी तक दिए जाते हैं। तो सीजन टिकट जो है वह 150 किलोमीटर के लिए दिए जाते हैं। आंसर ऑप्शन बी है 150। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कक्षा 10 तक पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त मासिक सीजन टिकट जारी किए जाते हैं। तो ग्रेजुएशन तक में पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं उनको फ्री में जो है मुफ्त में मासिक सीजन टिकट जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41। यात्रा टिकटों पर 10 से अधिक दूरी के लिए ब्रेक जर्नी की अनुमति है। तो कम से कम 500 से अधिक की दूरी का टिकट रहेगा तो उस पर जो है ब्रेक जर्नी की अनुमति होती है। 500 किलोमीटर से अधिक रहा तो 500 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद एक ब्रेक जर्नी और मैक्सिमम दो ब्रेक जर्नी दिया जाता है। दूसरा ब्रेक जर्नी अगर 1000 किलोमीटर से ऊपर रहता है तो दिया जाता है। यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी होगा 500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42। HOER का अर्थ है HOER आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल। आंसर ऑप्शन बी होगा आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 43। पूर्वी रेलवे ईस्टर्न रेलवे के जीएम कौन है। ईस्टर्न रेलवे के जो जीएम है वे अमर प्रकाश द्विवेदी है। आंसर ऑप्शन बी है श्री अमर प्रकाश द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 44। स्लीपर क्लास टिकट के लिए आरक्षण शुल्क कितना है। तो स्लीपर क्लास के लिए जो आरक्षण शुल्क है वो 20 रुपये है। आंसर ऑप्शन सी है 20 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45। भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है। पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 46। RAC का अर्थ है, RAC का अर्थ क्या होता है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। आंसर ऑप्शन ए है, RAC का मतलब रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। ART का अर्थ है, ART का अर्थ होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। आंसर ऑप्शन ए है, ART का अर्थ एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। नेक्स्ट 48। रामचरितमानस के लेखक कौन है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, लिखने वाले कौन है, लेखक श्री तुलसीदास हैं। आंसर ऑप्शन बी है तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय है। पूर्वी तट रेलवे ECOR ईस्ट कोस्ट रेलवे ECOR इसका भुवनेश्वर में इसका जो है मुख्यालय हेडक्वार्टर है। कोलकाता में कौन सा है। कोलकाता में तीन है, ईस्टर्न रेलवे का है, साउथ ईस्ट रेलवे का है और मेट्रो रेलवे का है। मुंबई में दो है, सेंट्रल रेलवे का है और वेस्टर्न रेलवे का है। चेन्नई में सदर्न रेलवे का है और भुवनेश्वर में ECOR पूर्वी तटीय रेलवे पूर्वी तट रेल का यहाँ मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। भारत के वित्त मंत्री का नाम है। वित्त मंत्री कौन है, अभी निर्मला सीतारमण है। अमित शाह कौन है, अमित शाह गृह मंत्री हैं। राजनाथ सिंह कौन है, रक्षा मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव कौन है, रेल मंत्री हैं। और तो यहाँ पूछा गया है वित्त मंत्री का नाम श्रीमती निर्मला सीतारमण, सी ऑप्शन यहाँ आंसर होगा। नेक्स्ट 51। बिना बुक किए गए सामान पर वास्तविक मूल्य का कितना गुना शुल्क लिया जाता है। यदि कोई पैसेंजर है और बिना बुक किए हुए सामान को लेकर जाता है और वह पकड़ा जाता है या डेस्टिनेशन में पकड़ा जाता है, ट्रेन में पकड़ा जाता है, तो उसे 6 टाइम उसका प्रभार वसूल किया जाएगा। जितना एक टाइम में लगता था उसका 6 बार उसको वसूल किया जाएगा, शुल्क लिया जाएगा। नेक्स्ट 52। निम्नलिखित में कौन सा देश पाक जल डमरू मध्य से संबंधित है। पाक जल डमरू मध्य कौन सा है, भारत और श्रीलंका के बीच है। पाक जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के जाफना जिले के बीच स्थित जल संधि है जिसे पाक जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। यह भारत और श्रीलंका के बीच है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 53। यदि आप 1 से 99 तक, 1 से लेकर 99 तक सभी संख्याएं लिखते हैं तो 3 कितनी बार आएगा। तो 3 उसमें 20 बार आएगा। आंसर ऑप्शन डी है 20 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 54। यूनिफाइड बुकिंग काउंटर पर किस प्रकार के टिकट जारी किए जाते हैं। यूनिफाइड जो है मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ दोनों तरह के जिसमें टिकट जारी किया जाता है, UTS का भी टिकट जारी किया जाता है और रिजर्वेशन का भी टिकट जारी किया जाता है। तो आंसर होगा सी, आरक्षित और अनारक्षित दोनों टिकट यूनिफाइड बुकिंग काउंटर से जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट 55। शिकायतें दर्ज करने के लिए शिकायत रजिस्टर डैश पर उपलब्ध रहता है। स्टेशन मास्टर कार्यालय जरूर रहता है, आरक्षण बुकिंग कार्यालय वहां भी रहता है, पैंट्री कार और ट्रेन दोनों में रहते हैं। यानी यह जो आंसर होगा वह उपरोक्त सभी होगा। आंसर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इन सभी जगह शिकायत दर्ज करने के लिए जो शिकायत रजिस्टर रहता है, कंप्लेन रजिस्टर रहता है, वह उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट 56। क्लॉक रूम में पैकेज अधिकतम 10 दिनों के लिए रखे जा सकते हैं। तो क्लॉक रूम में जो है अधिकतम 7 दिन के लिए रखे जा सकते हैं। आंसर ऑप्शन ए है 7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। ग्रुप ए और ग्रुप बी रेलवे कर्मचारियों को, रेलवे अधिकारियों को किस श्रेणी की पास सुविधा स्वीकार्य है। तो जो
अधिकारी हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी के, उनको प्रथम श्रेणी ए पास उनको दिया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, प्रथम श्रेणी ए पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। एलएचबी कोच का पूरा नाम है, एलएचबी कोच का लिंक हॉफमैन बुश, लिंक हॉफमैन बुश। आंसर ऑप्शन ए है, लिंक हॉफमैन बुश। नेक्स्ट 59। एसी चेयर कार में प्रति यात्री अधिकतम तत्काल शुल्क है, अधिकतम तत्काल शुल्क जो है वह एसी चेयर कार में 225 रुपये है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। पहले 24 घंटे या उसके कुछ भाग के लिए प्रति वस्तु क्लॉक रूम का शुल्क क्या है, क्लॉक रूम में जो शुल्क है पहले 24 घंटे के लिए या फिर उसके जो प्रति घंटे उसके कुछ भाग रहते हैं उसके लिए जो है 15 रुपये शुल्क है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। आरएसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसमें उपलब्ध आरएसी नहीं है, स्लीपर क्लास, एसी टू टीयर, एसी थ्री टीयर, एफसी, या एफसी का मतलब फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास में जो है वह आरएसी की सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है। आंसर ऑप्शन डी है, फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। भारत में कुल कितने राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं, 28। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। हावड़ा एनजेपी, हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति क्या है, अधिकतम गति है वह 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, केएमपीएच है। आंसर ऑप्शन डी है, 130 केएमपीएच। नेक्स्ट 64। भारतीय रेल में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है, भारतीय रेलवे में जो सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है वह दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में घूम स्टेशन है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। मंडल के मंडल वाणिज्य प्रबंधक यानी डिविजनल कमर्शियल मैनेजर डीसीएम के बारे में पूछा गया, डीसीएम को डैश मेटल पास प्रदान किया जाता है, तो उनको कांस्य मेटल पास प्रदान किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 66। कौन सा राज्य उत्तर पूर्व की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है, उत्तर पूर्व में टोटल 8 राज्य हैं जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, तो यहाँ सब जो है राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन इसमें एक साथ जुड़ा हुआ 7 राज्य है, सिर्फ उसमें सिक्किम एक साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उसे सिक्किम को छोड़कर इन सभी को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है जिसमें जो है सिक्किम शामिल नहीं है। आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि उत्तर पूर्व की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है, तो हिस्सा नहीं है वो सिक्किम नहीं है, बाकी सभी 7 कौन सा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सभी 7 जो स्टेट है उसे 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे से अधिक समय पहले रद्द किए जाने पर तृतीय एसी, थर्ड एसी या फिर इकोनॉमी या फिर एसी चेयर कार के लिए बिना यात्रा वाले आरक्षित टिकटों के लिए प्रति यात्री रद्दीकरण शुल्क क्या है, तो इसके लिए जो प्रति यात्री रद्दीकरण शुल्क है वह 180 रुपये है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। रेलवे एक्ट 1989 की किस धारा रेलवे कर्मचारी को उसके कर्तव्य में बाधा डालने पर दंड का प्रावधान है, तो यह जो आंसर है ऑप्शन ए, धारा 146 जो है वह रेलवे कर्मचारी को उसके काम में बाधा डालने पर दंड का प्रावधान है। 167 क्या है, ट्रेन में धूम्रपान करने पर मना है और अगर करने करते हुए पाया जाता है तो दंड दिया जाता है। 161 क्या है, तो सम पार फाटक पर बिना रुके पार करना दंडनीय अपराध है। 155 क्या है, ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, बिना टिकट के यात्रा करना यह भी एक दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम 10 मिनट पहले बुकिंग के लिए सामान किया जाना चाहिए, बुकिंग के लिए सामान जो है वह स्टेशन पर उनके लिए उपलब्ध रहना चाहिए। आंसर ऑप्शन ए है, 30 मिनट पहले, कम से कम 30 मिनट पहले अवश्य पहुंचना चाहिए, यह मिनिमम है, उससे ज्यादा पहले भी पहुंचा जा सकता है, यह मिनिमम है 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। रेक संचालन के अनुसार माल शेडों में कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया, माल समूहों को, माल शेड को कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है, तो इसे 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। आंसर ऑप्शन डी है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। द्वितीय श्रेणी में सामान ले जाने के लिए अधिकतम सीमा क्या है, तो अधिकतम सीमा है वह 70 kg है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। सीवीओ का फुल फॉर्म क्या है, सीवीओ चीफ विजिलेंस ऑफिसर, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, आंसर ऑप्शन डी है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। रक्त का थक्का जमने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होता है, तो रक्त का थक्का जमने के लिए जो विटामिन है वह विटामिन के की जरूरत पड़ता है। आंसर ऑप्शन सी है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय रेल का
राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 75, डीएलडब्ल्यू डैश पर स्थित है। डीएलडब्ल्यू डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। आंसर ऑप्शन सी है, वाराणसी में है। नेक्स्ट 76, खाना डैश कोच में पकाया जाता है। सेकंड एसी कोच, बैटरी कार, पेंट्री कार, ब्रेक वैन। तो पेंट्री कार में पकाया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, ये 77 है। दोनों ओर रेल लाइनों से घिरा प्लेटफॉर्म क्या कहलाता है? तो दोनों ओर से जो प्लेटफॉर्म घिरा रहता है वह रेल लाइन से घिरा रहता है, उसे आइलैंड प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। आंसर ऑप्शन डी है, आइलैंड प्लेटफॉर्म। डॉक प्लेटफॉर्म क्या कहलाता है? और अनलोडिंग और लोडिंग गुड्स, लोडिंग अनलोडिंग गुड्स के लिए रहता है वह डॉक प्लेटफॉर्म कहलाता है। यात्री प्लेटफॉर्म, यात्री प्लेटफॉर्म जानते हैं, जहां पर से यात्री को चढ़ने के लिए बनाया जाता है, सुविधा हो वैसे, जहां पर ट्रेन आती है, रुकती है और जो है पैसेंजर लोग चढ़ते हैं, वह यात्री प्लेटफॉर्म है। माल प्लेटफॉर्म क्या है? जिससे माल उतारने चढ़ाने और आसानी हो, उसको रखने में आसानी हो, उसके लिए प्लेटफॉर्म बना के रखा गया है कि माल उतार करके रखा जा सके, वह माल प्लेटफॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है दोनों ओर रेल लाइनों से घिरा प्लेटफॉर्म क्या कहलाता है? तो वह आइलैंड प्लेटफॉर्म कहलाता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, ट्रेन संख्या 22387 अप डैश से डैश के बीच चलती है। तो यह कहाँ से कहाँ चलता है? हावड़ा से जो है धनबाद के बीच चलता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया? रेलवे इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, माल भाड़ा चार्ज करने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है? तो माल भाड़ा जब चार्ज किया जाता है तो उसके लिए जो न्यूनतम दूरी है गुड्स बुकिंग के लिए वह ए 100 किलोमीटर है। आंसर ऑप्शन ए 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 81, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। आंसर ऑप्शन डी है। अगर सिर्फ सबसे लंबी नदी पूछा गया है तो उस समय ब्रह्मपुत्र होगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और सिंधु दो ऐसी नदी हैं जो सबसे लंबी है, इससे लंबी है, गंगा से लंबी है, और सबसे लंबी ब्रह्मपुत्र है। भारत के अलावा अन्य देशों में भी बहता है। तो भारत का पूछा गया तो आंसर ऑप्शन डी होगा, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 82, अग्रेशन नोट कितने समय तक सुरक्षित रखा जाता है? तो अग्रेशन नोट, फॉरवर्डिंग नोट के बारे में पूछा गया है, 5 वर्ष तक उसे सुरक्षित रखा जाता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 83, गेट पास कितने प्रति में बनाया जाता है, कितने कॉपी में बनाया जाता है? तो गेट पास 3 कॉपी में बनाया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, गेट पास 3 कॉपी में, 3 प्रति में बनाया जाता है। नेक्स्ट 84, मानव शव की बुकिंग के लिए कितना भार लिया जाएगा, मतलब कि भार कितना होगा? तो मानव शव जब बुकिंग किया जाता है उसके लिए जो है 200 किलोग्राम का भार बुक किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 85, रेलवे एक्ट 1989 के किस धारा में ट्रेन की छत पर, पायदान पर या इंजन पर यात्रा करने पर जुर्माने का प्रावधान है? तो इसके लिए जो आंसर है ऑप्शन डी, धारा 156 के तहत यह प्रावधान किया गया है। आंसर ऑप्शन डी है, धारा 156। 168 क्या है? कोई 68 है, कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी कोई दूसरा व्यापार नहीं करेगा। 167 क्या है? ट्रेन में स्मोकिंग करना मना है। 155 क्या है? तो ट्रेवलिंग विदाउट टिकट है। और 156 अभी हमने देखा, ट्रेन की छत पर यात्रा करना या फिर पायदान पर, इंजन पर यात्रा करना, उससे जुर्माना लिया जाएगा जब यह करता हुआ पाया जाता है। तो आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, एसी टू टीयर क्लास में तत्काल चार्जिंग के लिए न्यूनतम दूरी किलोमीटर में क्या है? तो न्यूनतम दूरी किलोमीटर में वह 500 है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, कोचिंग आय और समान आय के अलावा आय को डैश कहा जाता है। तो ऐसा आय जो कि ऐसा अर्निंग जो गुड्स फ्राइट या लगेज फ्राइट या पैसेंजर फ्राइट, पैसेंजर फेयर, उसके अलावा जो होता है उसे सन्ड्री अर्निंग कहा जाता है, सन्ड्री आय कहा जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, सन्ड्री आय। नेक्स्ट 88, माल ढुलाई तालिका में माल ढुलाई दर प्रति डैश है, तो उसे कैसे लिया जाता है? तो टन के हिसाब से लिया जाता है, किलोग्राम के, क्विंटल से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो है ऑप्शन बी, टन के हिसाब से लिया जाता है, माल ढुलाई दर प्रति टन है। नेक्स्ट 89, विशेष कोच की बुकिंग के लिए प्रति कोच न्यूनतम पंजीकरण राशि क्या है? तो न्यूनतम जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो फी है वह 50,000 रुपये है। आंसर ऑप्शन डी है, 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, 2S सेकंड सीटिंग में क्लास में टिकट बुक करने पर अधिकतम तत्काल शुल्क क्या है? अधिकतम तत्काल शुल्क 2S में सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये है। आंसर ऑप्शन
डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, कैट का मुख्य बेंच कहाँ स्थित है? तो कैट का जो मेन मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। आंसर ऑप्शन ए है, कैट का मुख्य बेंच नई दिल्ली में है। 92, अधिकारियों को दिए जाने वाले पास का रंग क्या होता है? अधिकारियों का जो दिया जाता है वह पास सफेद रंग का होता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, पितृत्व अवकाश पैटर्निटी लीव डैश जीवित बच्चों तक मिलता है, दो बच्चों तक के लिए मिलता है। आंसर ऑप्शन बी है, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, मंडल स्तर पर लेखा विभाग के प्रमुख कौन है? क्वेश्चन मार्क दिया गया है, मंडल स्तर पर, डिवीजन स्तर पर लेखा विभाग के जो मुख्य हैं वे कौन है? सीनियर DFM, सीनियर DFM होते हैं। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 95, लगेज किस स्केल पर बुक किया जाता है? लगेज जो है L स्केल के ऊपर बुक किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, फ्रेट आय डैश के परिवहन से आता है, तो फ्रेट आय जो है माल के परिवहन से आता है। आंसर ऑप्शन बी है, माल, गुड्स। नेक्स्ट 97, पार्सल यातायात में न्यूनतम भार कितना होता है? तो पार्सल जो है बुक करने में न्यूनतम जो है भार वह 10 किलोग्राम के लिए बुक किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, 10 किलोग्राम। नेक्स्ट 98, नव नियुक्त कर्मचारी की परिवीक्षा यानी प्रोबेशनरी पीरियड, प्रोबेशनर अवधि क्या है? तो प्रोबेशनरी पीरियड रहता है वह 2 साल होता है। आंसर ऑप्शन बी है, 2 ईयर्स, 2 वर्ष। नेक्स्ट 99, लेवल 5 के रेलवे कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सुविधा पास का प्रकार है, तो लेवल 5 में 2800 ग्रेड पे रहेगा, 2800 ग्रेड पे में द्वितीय श्रेणी ए पास उनको दिया जाता है। तो आंसर ऑप्शन ए है, द्वितीय श्रेणी ए पास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 100, 2 AC क्लास के लिए तत्काल बुकिंग कितने बजे शुरू होता है? AC 2 AC हो, थर्ड AC हो, इकोनॉमी हो, कोई भी AC क्लास है तो उसके लिए जो तत्काल बुकिंग है वह 10 बजे शुरू होता है, 10 बजे पूर्वाह्न, 10 AM, 10 बजे सुबह। आंसर ऑप्शन ए है, 10 AM। नेक्स्ट 101, अब जो है राजभाषा से संबंधित प्रश्न आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 101, केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए प्रथम पाठ्यक्रम क्या है? तो प्रथम पाठ्यक्रम क्या है? प्रबोध, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, पारंगत, ये 4 पाठ्यक्रम है, तो जो प्रथम है वह प्रबोध है। नेक्स्ट 102, संविधान के अनुच्छेद 120 में किस संस्था के भाषा का उपयोग के संबंध में कहा गया है? तो यह संसद में जो है भाषा के उपयोग के लिए कहा गया है, अपने मातृभाषा में जो है अपने वक्तव्य को प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके बारे में कहा गया है संसद के में। आंसर ऑप्शन सी है, संसद। नेक्स्ट 103, अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। आंसर ऑप्शन डी है, नेपाली विदेशी भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट 104, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य टोटल होते हैं, जिसमें लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। तो लोकसभा का पूछा गया है, आंसर ऑप्शन ए होगा, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 105, संविधान की 8वीं अनुसूची, अष्टम अनुसूची में कितने भाषा शामिल है? तो उसमें 22 भाषाएं शामिल है। आंसर ऑप्शन सी है, 22। नेक्स्ट 106, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय रेल मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, गृह मंत्री। तो यहाँ आंसर ऑप्शन डी होगा, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट 107, किस प्रदेश की भाषा राजभाषा अंग्रेजी है? किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसमें त्रिपुरा, नागालैंड, असम, हिमाचल, तो नागालैंड का यहाँ भाषा जो है वह अंग्रेजी है। नेक्स्ट 108, लक्षद्वीप किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? लक्षद्वीप जो है वह सी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन सी, ग क्षेत्र। नेक्स्ट 109, राजभाषा नियम 1976 का अब तक कितना बार संशोधन हो चुका है? कितना बार संशोधन किया गया है? अभी तक जो है 1976 राजभाषा नियम का 3 बार संशोधन हो चुका है। आंसर ऑप्शन बी है, 3 बार। नेक्स्ट लास्ट है 110, 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो प्रथम संसदीय राजभाषा समिति था उसके जो अध्यक्ष थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित GV पंत थे। आंसर ऑप्शन डी है। यह आपकी परीक्षा के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस आप करते रहिए, और आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।